नगर निगम का नोटिस मिलने के बाद देहरादून की मलिन बस्तियों में रह रहे हजारों लोग परेशान हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद रिस्पना, बिंदाल और देहरादून की जो और नदियां हैं, उन नदियों में जो अतिक्रमण किया गया है उसको खिलाफ कार्रवाई चल रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो हजारों लोग हैं वो जाएंगे कहां। नगर निगम ने अब तक करीब 11,000 लोगों को नोटिस जारी किया और 15 दिन में घर खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। ये तो काफी साल से चल रहा, पता नहीं कभी कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की आ गई, कभी अब बीजेपी के प्रधान का नाम ले या कांग्रेस का नाम सालों ले। से रह रहे? काफी साल से रह रहा है, हमें 200 साल हो गए। लिए थे हमने, जमीन ले रखा है जो है कि 85 का, 85 से लाइट वाइट नहीं थी इसलिए जमीन लेकर छोड़ दिए थे। सभी सुविधाएं हो गई, सड़क, बिजली, सीवर भी हो गया, सरकार ने सारी सुविधा दे दी। नगर निगम का दावा है कि देहरादून में नदियों के किनारे और सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से बस्तियां बसाई गईं। लिहाजा इन बस्तियों को हर हाल में खाली किया जाए। हाईकोर्ट के आदेश पर देहरादून में पहले से ही अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। ऐसे में मलिन बस्ती खाली करने का नोटिस जारी होते ही सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के साथ मिलकर नगर निगम का घेराव किया और कमिश्नर को ज्ञापन देकर बस्तियां खाली ना करने की मांग की। विधानसभा से कानून बना कि हम जो मलिन बस्तियां हैं उनके नियमितीकरण के लिए काम करेंगे और 400 करोड़ का एक पैकेज। कांग्रेस के अलावा सत्ता पक्ष के भी कई विधायकों ने इस मामले को लेकर सवाल उठाए हैं। मुद्दा हजारों लोगों के आशियाने से जुड़ा हुआ है, लिहाजा सरकार भी इसे संजीदगी से ले रही है। खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मसले पर हाईकोर्ट जाने का ऐलान किया है। इंक्रोचमेंट और इंसानियत, हमको ये भी देखना है कि जो लोग, जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट किया है, किसने ये इंक्रोचमेंट करवाया। दूसरी बात, आज अगर वो इंक्रोच्ड हैं, उन्होंने अगर कहीं पर रह रहे हैं तो उनके छत की व्यवस्था करना, हम खुले में नहीं छोड़ सकते। मैं समझता हूँ कि कोई भी नियम कानून संविधान ये इंसानियत से बड़ा नहीं होता। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को भरोसा है कि हाईकोर्ट से मानवीय आधार पर राहत जरूर मिलेगी। इस बीच सरकार की ओर से मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर नए सिरे से अध्यादेश लाने की तैयारी की जा रही है। किसी भी मलिन बस्ती को हटाने के लिए भी हमने कोई योजना नहीं बनाई है। मलिन बस्तियों के संबंध में हम स्वयं पहले कोर्ट जाएंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो इसमें कुछ और निर्णय लेने की वो भी लेंगे। सरकार समस्या का समाधान निकालने की हर मुमकिन कोशिश करने का दावा कर रही है, मगर सवाल इस बात का कि राजधानी में अवैध बस्तियां बसाने की इजाजत किसने दी। आखिर कैसे हजारों लोगों ने अवैध तरीके से अपने आशियाने बना लिए और सिस्टम सोता रहा। बहरहाल मसला अब बेहद गंभीर हो गया है, लिहाजा सियासत भी परवान चढ़ने लगी है। अब देखना होगा कि विवाद कैसे सुलझता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि बस्तियां बस जाती हैं, सुविधाएं भी वहां पर मिलने लगती है, तमाम, चाहे वो मूलभूत पानी की सुविधा हो, सड़क हो, बिजली हो, सब कुछ मिल जाती है और फिर अब वहां पर अतिक्रमण का डंडा चलेगा। लेकिन इस मामले को लेकर राजनीति भी हो रही है, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सीधे चर्चा करते हैं, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए। सुभाष भरतवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, सूर्यकांत धस्माना है कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और हमारे साथ राजीव शर्मा जी जुड़े हैं जो कि पूर्व कमिश्नर भी हैं कोर्ट के और अधिवक्ता भी हैं, कानून के जानकार भी हैं। बहुत स्वागत तीनों का आपका। सुभाष जी, पहला सवाल आपसे ये, सर आप सरकार में हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम तो इंसानियत के नाते हाईकोर्ट में पक्ष भी रखेंगे, लेकिन सर नोटिस जारी कर दिया गया है और कार्रवाई को लेकर तैयारी पूरी है, सर कब हाईकोर्ट आप जाएंगे, कब हाईकोर्ट में पैरवी करेंगे? देखिए मृदुल भाई, ये जो मलिन बस्तियों वाला मसला सामने आया है ये बहुत संवेदनशील मसला है और हमारी सरकार जो है बहुत इसके ऊपर गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जो है इसको कानून के दायरे में जो है सुलझाने का काम किया जाएगा। जो नगर विकास मंत्री हैं उन्होंने भी कहा, और देखिए फौरी तौर पर जो तुरंत राहत हो सकती है उसके लिए तो सरकार शायद आज और कल में जो नोटिसेज जो इश्यू हुए हैं उनको फौरी तौर पर मुअत्तल करने का काम कर रही है। उसके पश्चात जो है हाईकोर्ट में जाकर हाईकोर्ट के सामने गुहार लगाने का काम होगा और देखिए अगर आवश्यकता पड़ेगी तो जो है अध्यादेश लाने की बात हमारी सरकार ने कह दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दी है, नगर विकास मंत्री ने कहा है। देखिए इस
कोई सरकार हमारी हो किसी की भी, सभी कल्याणकारी सरकारें होती हैं और कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी। वही तो हम जानना चाह रहे हैं, उसके राज में सरकार किसी की भी हो, सरकारें यहाँ पर बदली हैं, हटने का काम, लेकिन किसने इन्हें बसा दिया सर? यहाँ पर सुविधाएं किसने इन्हें दे दी जब ये अतिक्रमण करके बस रहे थे? जब कहाँ थे जो सरकार में लोग थे वो, अब जाकर जाग रहे हैं और अब परेशानी जनता को हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको इंगित कर, मृदुल भाई मैं यही कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस ओर इशारा जरूर किया है कि जिस प्रकार से बसी हैं उन पर क्या सरकार जो है भविष्य में कोई जांच कराने वाली है। लेकिन फौरी तौर पर देखिए, सरकार का दायित्व तो यही है कि जो है जो लोग बसे हैं, जो घर के अंदर है, उनके ऊपर से छत नहीं जानी चाहिए। और इसके लिए जो जो भी हमारे पास विकल्प सरकार के पास हैं, प्रयास यह होगा कि जो है एक छोटा सर आपको करेक्ट कर दूं, सुभाष जी छोटी सी बात में करेक्ट कर दूं, आपने मुख्यमंत्री को सुना होगा रिपोर्ट में, मुख्यमंत्री कहते हैं कि सबसे ऊपर इंसानियत है, जिन लोगों का घर टूटेगा अतिक्रमण में उनको छत मुहैया कराई जाएगी। लेकिन ये तो स्थिति साफ है कि घर तो तोड़े जाएंगे, जो अतिक्रमण है वहां पर कार्रवाई होगी। सर कार्रवाई की पूरी तैयारी कर ली, आपकी क्या तैयारी है? नहीं देखिए, जो ये सरकार ने लोगों से जो है आश्वस्त किया है लोगों को, और हमारी जो पूरी योजना है कि इस सारे अभियान में यदि ऐसा कुछ आगे देखिए, अभी तो हाईकोर्ट जाने की बात है। हाईकोर्ट में देखिए, कोर्ट कई बार जो है अपने ही निर्णयों पर कहीं ना कहीं राहत प्रदान करने का काम करता है। अगर जो है सिंगल बेंच का है, डबल बेंच में जाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक भी सरकारें लड़ती है, तो वहां तो असीमित संभावनाएं हैं। लेकिन एक विकल्प यह भी है कि जो है एक अध्यादेश लाकर, या ठीक है अध्यादेश लाने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन सुभाष जी जैसा आप कोर्ट का काम किया, कोर्ट का जो आप अंतिम ही कोर्ट का जो पक्ष रख रहे हैं कि वहां पर और भी तरीके से आप अपनी बात रख सकते हैं, कांग्रेस कहती है कि आप अपना ठीक तरीके से पक्ष वहां पर नहीं रख रहे हैं जी। मैं सूर्यकांत धस्माना जी के पास आता हूँ। सर मुद्दा बड़ा गंभीर है, क्योंकि एक दो घर नहीं है सर, बहुत सारे घर हैं वहां पर, और ये घर कब बस गए किसी को पता ही नहीं चला। यहाँ पर सुविधाएं पहुंचने लगी, टैक्स वसूलने लगा निगम, लेकिन अब जाकर याद आ रही है कि ये तो मलिन बस्तियां, अतिक्रमण किया गया था। देखिए मृदुल, मैं आपको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में बताऊं कि ये मलिन बस्तियां जो हैं देहरादून शहर में, जो अब नगर निगम क्षेत्र में अधिकांश मलिन बस्तियां पड़ती हैं, ये एक जमाने में ग्राम सभाओं की जमीनें थी, उत्तराखंड बनने से पहले और नगर निगम के अस्तित्व में आने से पहले। ठीक, बिंदाल और रिस्पना के किनारे, और केवल बिंदाल और रिस्पना नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे खाले हैं, बहुत सारी जगहें हैं। जैसे गोविंदगढ़ आप चले जाएंगे तो बिंदाल की किनारे आपको बस्तियां शुरू होगी, बिंदाल बस्ती से लेकर के और सीधा लाल पुल तक आपको ये बस्तियां मिलेंगी। इसी प्रकार से कंडोली चिड़ो वाली से शुरू करेंगे रिस्पना के किनारे, और विधानसभा तक चले जाएंगे तो रिस्पना के किनारे दोनों ओर आपको मलिन बस्तियां मिलेंगी। ये इसमें अधिकांश हिस्सा पहले ग्राम सभाओं का था, और ये ग्राम सभाओं की, ग्राम प्रबंध समिति की जो भूमि होती थी या सिंचाई विभाग की जो भूमि होती थी वो भूमि थी। और 40 साल से ये सिलसिला, 40 साल गांधी ग्राम देहरादून की सबसे पुरानी इंदिरा नगर और गांधी ग्राम, इंदिरा नगर चुक्कूवाला और गांधी ग्राम, ये दो बस्तियां हैं जो सबसे पुरानी, लगभग 40-42 वर्ष पुरानी मलिन बस्तियां हैं। इसके बाद भगत सिंह कॉलोनी, वाणी विहार, शांति विहार, ये सारी कॉलोनियां हैं। किसने बसा दिया? फिर तो हम, और मैं आपको बताना यही कहेंगे ना, जब से राज्य का गठन हुआ उसके पहले से यहां पर लोग रह रहे हैं। मैं 40 साल की बात कर रहा हूं, 40-42 साल की बात कर रहा हूं, गठन से पहले से यहां रह रहे हैं। 2009 नवंबर को हुआ। हाँ। जी जी, उत्तर प्रदेश के जमाने से रह रहे हैं। हाँ। और इसमें आप इनको सीधा अतिक्रमणकारी घोषित कर रहे हैं। इनको सरकार ने बाकायदा, आप जाकर के देखिए, आप वेरीफाई करिए, सारी वो सुविधाएं जो नागरिकों को मिलती है, टैक्स भी वसूला जाता था वहां से, तो से लेकर के सीवर से लेकर के एडीबी का काम, गांधीग्राम में आप चले जाएं, संजय कॉलोनी, आप पटेल नगर में चले जाएं, आप रिस्पना किनारे बसी हुई भगत सिंह कॉलोनी में चले जाएं, या वर्ल्ड बैंक की और एडीबी की जो योजनाओं के तहत सीवर लाइन बिछा है, पानी की लाइन बिछा है। बिल्कुल सर, ये चीजें तो सभी को पता है, और लेकिन आगे अब क्या होगा? इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी लिया है, आप आवाज उठा रहे हैं, सीएम हाउस की तरफ कूच करने की तैयारी आपकी, क्या आपको लगता है सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? कि 4 लाख लोगों को मृदुल, 4 लाख लोगों को बेघर बार होते हुए हम नहीं देख सकते। हमने इसके लिए बाकायदा कांग्रेस की सरकार के जमाने में, जो सुभाष भाई कह रहे हैं,
कि सरकार इसमें कानून बनाएगी या सरकार इसमें अध्यादेश लाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने अपने कार्यकाल में 21 जुलाई 2016 को बाकायदा असेंबली में बिल पास करके, विधेयक पास करके इसको एक्ट बनाया, और 10 अगस्त 2016 को महामहिम राज्यपाल के सिग्नेचर से वो इस अस्तित्व में, इस राज्य में वो कानून अस्तित्व में आ गया, जिसमें इन तमाम मलिन बस्ती वालों को रेगुलराइज करने की और जहां आवश्यकता उनको हटाने की है वहां उनके पुनर्वास की व्यवस्था तो की उस एक्ट में कानून है। और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कह रहे नहीं, सबसे 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 मजेदार बात मैं आपको ये बताऊं कि इस काम को जिन्होंने करना था, जब ये कानून बनाया गया 10 अगस्त 2016 को, उसके बाद से लगभग 1.25 साल तक मेयर देहरादून के भारतीय जनता पार्टी के बहुमत वाले बोर्ड के मेयर रहे। हाँ। उन्होंने इस पे कार्रवाई शुरू नहीं करी और उत्तराखंड के अंदर 582 मतलब आपका कहना है कि कानून बन गया था लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, या फिर वो बीच में लटक गया था ठंडे बस्ते में चला गया। ये बड़ा अहम मुद्दा उठाया दसमाना जी आपने दिया। बिल्कुल, कानून को समझना भी बहुत जरूरी होगा। राजीव जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसको इम्प्लीमेंट ये सुभाष जी से जवाब पूछ लीजिए। मैं जवाब भी लूंगा, सुभाष जी से जवाब पूछ लीजिए। कुछ कह भी रहे हैं सुभाष जी, सर कानून बन गया है। दसमाना साहब कह रहे हैं हमने तो पूरी तैयारी कर ली, आप मेयर थे, आपने जिम्मेदारी नहीं निभाई अपनी, आपने उसे पता नहीं कहाँ फेंक दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। नहीं नहीं मृदुल भाई, यही तो बड़ा दिलचस्प है। यही मामला बहुत दिलचस्प है कि पिछली जो है कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से कैबिनेट में उसको लाए, विधानसभा में लाए, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस पूरे पुथड़े को खोलकर उसका आंकलन किया तो पता लगा कि उसमें जो एक बस्ती के अंदर 10 और 15 परिवार से अधिक लोग जो है वो उस एक्ट से आच्छादित हो ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर की नियमावली, उपनियमावली जो भी जो है बनाए गए वो सारे इस प्रकार से बने कि जो है वो न्यूनतम लोगों को उससे जो है आच्छादित करने का काम हो रहा था। अरे सवा साल से तो आपने क्या किया था? ठीक है सुभाष जी, बड़ा बेकार कानून था। मैं दस मिनट सर एक सेकंड मैं पूछ रहा हूँ सुभाष जी, बड़ा बेकार कानून था, बहुत गलत किया कांग्रेस ने, आपने क्या किया? मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए बहुत गलत था वो। नहीं नहीं देखिए अब इस सारे पे जो एक्सरसाइज सरकारें कर रही थी, हमारी सरकार कर रही थी, अब उसके पश्चात तो नोटिस जारी करवा दिया। वही तो है सर, कुछ हुआ ही नहीं है ना, सवाल तो वही है, कानून बन गया ना जाने कहाँ चला गया, मेयर आपके थे, उसने उन्होंने कुछ किया ही नहीं, ऊपर जो है सरकार। ठीक है, अब मैं राजीव जी के पास जाता हूँ। ठीक है सुभाष जी, आऊंगा सर आपके पास। राजीव जी, बड़ा पेचीदा सवाल इसलिए हो जाता है, हाई कोर्ट का मामला है उसके। ठीक है सर, कोर्ट का मसला तो है, ये तो सब जानते हैं, इंसानियत को हालांकि मुख्यमंत्री कहते हैं, ऊपर बताते हैं, उनका कहना है कि हम उठाएंगे इस मसले को। राजीव जी, कानून के मुताबिक तो नोटिस जारी हो चुका है, कार्रवाई को लेकर पूरी तैयारी हो गई है, लेकिन अब मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम आगे कदम उठाएंगे, अध्यादेश पर जा सकते हैं, क्या आगे हो सकता है सर लॉ के मुताबिक? मृदुल जी, मैं इस बात पे आना चाहता हूँ। अभी मेरे भाई जो सूर्यकांत धस्माना जी हैं और सुभाष बर्थवाल जी ने बोला इन लोगों ने एक कानून बनाया, मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कि क्या ये ऐसा कानून बना सकते थे जो इन्होंने कानून बनाया कि अवैध लोगों को ये रेगुलराइज कर दें? सुप्रीम कोर्ट बड़ा स्पष्ट है जगपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कि जो भी रिवर बेड्स हैं, वाटर बॉडीज हैं और उनके आसपास अगर कोई ग्राम समाज की भूमि, अभी मेरे बड़े भाई कह रहे थे कि ये कुछ साल पहले तक ग्राम समाज की जमीन थी। हाँ। ग्राम समाज की जमीन स्पेशल परिस्थितियों में सिर्फ एससी और एसटी लोगों को अलॉट की जा सकती थी, लीगली अलॉटमेंट की बात कर रहा हूं मैं। हाँ। अगर किसी को वो लीगली अलॉटेड नहीं है तो उस जगह को रेगुलराइज नहीं किया जा सकता। आप उस बस्ती के लिए अगर कोई कानून बनाते हैं तो वो अवैध है, तो इसलिए हाई कोर्ट ने उसी को देखते हुए, अभी मैं 13 जून 2018 की ही बात कर रहा हूं, हमारे उच्च न्यायालय जो हमारा उत्तराखंड का है, उन्होंने कुंवर पाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड में भी इस जजमेंट को, जिसको मैं कोड कर रहा हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट को, उन्होंने कोड करते हुए यही बात कही है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि रिवर बेड्स पे जो एनक्रोचमेंट है उसको आप रेगुलराइज नहीं कर सकते, तो मैं जानना चाहता हूं इन लोगों से, ये राजनीतिक लोग हैं, राजनीति में क्या करना है। मैं तो इनसे ये भी पूछना चाहता हूं, जो जलूस और ये सब चीज हो रहा है,
क्या आपने सरकार से मिलकर के इसका कोई समाधान निकालने की कोशिश करी? ठीक है राजीव जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई है, क्योंकि अब चर्चा बहुत सीधे हमारे किसी एंगल पर जरूर खत्म होनी चाहिए, लोगों को गुमराह करने के कि आप रैली निकाले, उनका समय बर्बाद करें और उनका जो नोटिस को जवाब देने का समय वो भी निकल जाए और बेचारे मौत के मुहाने पे आकर के खड़े हो जाएं, इनको जाकर के गुहार हाईकोर्ट में और सर्वोच्च न्यायालय में लगानी चाहिए। दसमाना जी सुन रहे हैं आप, जो कानून आपने बनाया वो तो कचरे में फेंकने लायक है, उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, राजीव जी कह रहे हैं। नहीं नहीं, उसको उसका कानून का अध्ययन किया ही नहीं गया, ना सत्ताधारी दल ने किया, ना उस पर टिप्पणी करने वाले लोगों ने उस पर उसका अध्ययन नहीं किया। उस कानून में केवल रेगुलराइज करने की बात नहीं है, हाँ। उसमें जो राजीव भाई ने कहा कि रिवर बेड्स में जो लिमिट तय की गई है, उस तय लिमिट के अंदर अगर किसी को हटाना पड़े तो उसके रिहैबिलिटेशन का इंतजाम है। उसमें कानून में कहा गया है कि अगर हटाने पड़ेंगे तो उनका रिहैबिलिटेशन कैसे होगा, सर, या तो बस गए लोग, उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। नहीं वो तो है ही ना सर। नहीं, मैं आपने रूलिंग नहीं पढ़ी, मैंने राजीव जी फिर एक बार आप आइए, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि रिवर बेड्स को आप नहीं छेड़ सकते, और जो अगर उसमें कोई पट्टा अलॉटेड है उसकी व्यवस्था आप कहीं और कर सकते हैं, अगर किसी ने बिना पट्टे के उसको कब्जाया हुआ है दैट इज इनलीगल। आप उनका पुनर्वास तो सरकार की अपनी मर्जी है, कर सकती है, ये तो है दसमाना जी, इस पर तो मैं सुभाष जी से सवाल करूंगा, लेकिन आपसे भी सवाल है सर, कानून जो बना है वो बड़ा घुमा फिरा कर बताया जा रहा है, बिल्कुल स्पष्ट बताए। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल घुमा फिरा के नहीं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल कानून बता रहा हूँ, जो कानून बनाया है कांग्रेस सरकार ने, सर उससे कुछ हुआ तो है नहीं, 16 को जो कानून सर उससे कुछ हुआ नहीं, अब सवाल ये कि होगा क्या आगे, उसको स्क्रैप, नहीं मैं आपको उसको उसका कारण बताया मैंने आपको, हाँ, कि वो तो मैं समझ गया सर, लोगों ने था, हाँ, जो देहरादून समेत, हाँ, सारे उत्तराखंड के नगर निगम थे उसमें बीजेपी के बहुमत वाले बोर्ड थे और वहां के मेयर बीजेपी के थे सर, नहीं हुआ, मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं करा मेयर ने बीजेपी के, अब आगे क्या होगा सर, आप तो तैयारी कर रहे हैं, जैसा राजीव जी ने कहा कि भीड़ इकट्ठा हो रही है, आप सीएम साहब सीएम हाउस की तरफ कूच करेंगे, लेकिन होगा क्या दसमाना जी, जो लोग परेशान हैं उनके साथ क्या होगा? इसलिए करेंगे, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को उन्होंने वोट दिया है, वो सारे वोटर हैं, ठीक है, सारे वोटर लिस्ट में इस भारत राज्य देश के, ठीक है, वो माननीय नागरिक है, वोटर है, उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास वोटर कार्ड है, ठीक है सर, बिल्कुल सुभाष जी से भी जवाब लेता हूँ मैं, जिम्मेदारी सुभाष जी सरकार की, आपको ये जिम्मेदारी सत्ता पर बैठाने वाली उत्तराखंड की जनता है, जिसने आपको 57 विधायक दिए हैं, और वो ये आपसे उम्मीद करती है कि अगर उनका अतिक्रमण हटाया जा रहा है जो कि इल्लीगल है, तो उनको विस्थापित करने की या कोई वैकल्पिक व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, अगर है तो कब तक करेंगे? देखिए मृदुल भाई, बात यह है कि नहीं, अब देखिए ऐसा है ना मृदुल भाई कि देखिए, अब उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को जहां पहुंचाना था वहां पहुंचा दिया, तो अब इस समय सूर्यकांत जी, मैं सिर्फ आपसे चाहता हूं कि आप सवाल का जवाब दें, वोट सेंकने का, सत्ता वापसी का, लेकिन तो आप कह दीजिए ना हटाएंगे, आप कह दीजिए उजाड़ेंगे लोगों को, आप कह दीजिए बेघरबार करेंगे, आप कह दीजिए छत छीनेंगे, अगर आपको 57 MLA दिए हैं इसलिए कि लोगों को बेघरबार करोगे, लोगों की छत छीनोगे, लोगों के घर उजाड़ोगे, अगर कह दीजिए करेंगे, अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं इंसानियत से ऊपर कौन है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कौन है, कोई सरकार उसकी अवहेलना कर सकती है क्या? देखिए टेक्निकली चीजों को देखना पड़ेगा, सुभाष जी सुनिए तो, सुनिए तो सर, आप भी बड़े समझदार हैं, आप भी बड़े समझदार हैं सर, मैं भी थोड़ा बहुत समझता हूँ, कि अगर अंतिम सुभाष जी अंतिम एक सेकंड किसी को मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप समझिए थोड़ा, तो हमारी सरकार उसको जो है पूरी तैयारी के साथ उसको जो है बसाने का काम करेगी सर, ये आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, बसाने का काम तो आप करेंगे, लेकिन अभी आपके पास कोई व्यवस्था है? हम पूरा सर, देखिए बारिश का मौसम है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप बसा देंगे, आप बहुत अच्छे घर बना देंगे, बड़ा डिप्लोमेटिक हो गया ये, लेकिन सर क्या आपके पास अभी कोई व्यवस्था है? अभी तो हम इमेजिनेशन कर रहे हैं कि हम एक नई बस्ती बसा देंगे, अभी आपके पास क्या व्यवस्था है? नहीं नहीं मृदुल भाई, देखिए भले ही हाईकोर्ट का आदेश हो, लेकिन रातों रात ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है, जिस प्रकार का वातावरण कांग्रेस की द्वारा जो है देहरादून के अंदर खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है,
ऐसा कुछ होना नहीं। सर आपके पास कोई प्लान है? सुभाष जी आपके पास कोई प्लान है? आपके पास कोई प्लान है? और हम लोग जो है ठीक है, एक सेकंड, आखिरी सवाल दसमाना साहब, दसमाना साहब समय बहुत कम है, आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहता हूँ, लगा रहे हैं आखिरी कमेंट दसमाना साहब, अगर कांग्रेस सीएम हाउस की तरफ कूच करेगी इस मसले को लेकर तो क्या किसी प्लान के साथ जाएगी या सिर्फ वोटों की राजनीति? राजीव जी बहुत छोटा सा कमेंट आपसे लूंगा, सिर्फ 5 सेकंड। मैं कुछ कहना चाहता हूँ इसमें, इसमें मृदुल इसमें इसमें वोटों की राजनीति का सवाल नहीं है। ठीक है, अभी इनके मुख्यमंत्री कह रहे थे कि इंसानियत की कोई चीज होती है, बिल्कुल मुद्दा उठा रहे हैं। राजीव जी बहुत संक्षेप में कह दीजिए, समय बहुत कम है। राजीव जी बोल दीजिए अपनी बात, कमाल की बात है, हम तो कानून बना चुके हैं। राजीव जी कानून कमजोर है तो उसको मजबूत करो। चलिए बहुत शुक्रिया, मैं माफी चाहूंगा राजीव जी, आपकी बात नहीं रख पा रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है मेरे पास। दसमाना जी, बड़तवाल जी और राजीव जी बहुत शुक्रिया। राजीव जी ने जो बातें कही हैं बड़े अहम हैं। उनका कहना है कि कानून कई सारे बनाए गए थे जो दसमाना साहब ने कहा, लेकिन वो कानून ये इजाजत नहीं देते हैं कि यहाँ पर जो रिवर के पास का एरिया है उन्हें बसाया जाए, यानी ये एनक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण का इलाका है और इसको हटाया जाना है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सरकार के पास वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? सरकार अब इस मुद्दे को हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या जहां भी जाना चाहती है वहां किस तरीके से उठाती है, और जो जनता परेशान है उसके लिए क्या कदम उठाए जाते हैं, ये देखना होगा। फिलहाल इतना ही है।